मेरे सारे ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल के सारे सब्सक्राइब को। और दोस्तों आज जैसे कि सुबह सुबह एक MCCB पावर शॉर्ट हो गई थी, तो मैंने अभी उसको चेंज किया है, तो उसके बारे में आज मैं पूरा रिव्यू बनाऊंगा। वो MCB थी जो शॉर्ट हो गई थी, और ये 100 एम्पीयर की MCB थी, मार्ले जर्नल की MCB थी, और इसकी जगह मैंने अभी प्रेजेंट में इसमें एलेंटी की DH100 100 एम्पीयर की MCB फिट की है, जो सेम टू सेम फिटिंग में आ गई है, और दोनों के जो आई बोल्ट जो बोल्ट टाइट करने के लिए थे वो सेम थे, और ये प्रॉपर फिटिंग आ गई है। अब मेरा प्लांट चल चुका है। हम इस MCCB को चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं कि ये ओके है या नॉट ओके है, अब और इसके अंदर क्या होता है, कैसे वो आपस में सप्लाई इनपुट से आउटपुट की तरफ जाती है, वो कैसे काम करती है, आज उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और मैं इसको खोल रहा हूं अभी। ये 4 बोल्ट होते हैं यहाँ पे, ये 4 बोल्ट होते हैं यहाँ पे, इनको खोल रहा हूं, और इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं कैसे MCCB कैसे काम करती है और इसके अंदर क्या क्या होता है। अभी मैं आपको ये चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये MCB ओके है या नॉट ओके है। ये ट्रिगर है, अभी ये ऑन पोजीशन में है, अब इसे नीचे करेंगे तो ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगी। तो दोस्तों ये MCB है, और अब मैं चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। आपके लिए चेक करने के लिए चाहिए एक मल्टीमीटर। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेना है, उसके बाद आपने ऑन कंडीशन में कंटिन्यूटी चेक कर ली है, तो ये बोल रही है, बीप की आवाज आएगी, अभी दूसरी के साथ नहीं बोल रही है, और तीसरी के साथ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये अभी तक MCB सही है। ये फिर इससे बोलता येलो येलो ब्लू से नहीं, ब्लू 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 से नहीं, काम कर रहे हैं ना। उसके बाद ये आपने चारों बोल्ट खोल लेने हैं, चारों बोल्ट खोलने के बाद ये आपने इस MCCB का जो ढक्कन है वो ओपन कर दिया, अभी ढक्कन इसका ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये लीवर है, ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, ये आपकी इनकमिंग साइड है, और ये आउटपुट साइड है, आउटपुट की साइड ये आर्क चूजर होते हैं, ये देखिए ये होते हैं आर्क चूजर। इनमें क्या, इनका जो वर्क क्या होता है, जब MCCB में लोड अटैच होता है तो एक हल्का स्पार्क पैदा होता है, उस स्पार्क को निकालने के लिए ये आर्क चूजर दिया जाता है, कि एक तरफ से स्पार्क ना निकले, वो स्पार्क फैल जाए। ये देखिए इसमें पत्तियां दी हुई हैं, अलग अलग कट दिए हुए हैं, तो कट से फैल जाए, एक ज़्यादा आग ना रहे, हल्की आग, ये यहाँ डाला जाता है आर्क चूजर। ये हमारी ट्रिपिंग के लिए होता है, ये ट्रिपिंग के लिए है, यहाँ पे ये ट्रिपिंग के लिए है। ये जैसे अभी ऑन होगी, तो यहाँ से एक ये रेड कलर का बटन होता है, जिसे प्रेस करने पे ये MCCB ट्रिप हो जाती है। और यहाँ मैंने बता ही दिया, ये आर्क चूजर है, काफी भयंकर शॉर्ट हुई है ये। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको MCCB के बारे में बताया है, तो इस तरीके से ये काम करती है, इस मैकेनिज्म पे काम करती है। ये देखिए, जब लीवर को हम प्रेस करते हैं तो एक लीवर की तरफ से एक पत्ती जो दबाती है वो यहाँ लॉकिंग लगा देती है, लॉक लगने के बाद ये सप्लाई को इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र कर देती है। और यहाँ पे अगर इस मैकेनिज्म को हम वो रेड वाला बटन दबाते हैं, ट्रिप हो जाती है, इस तरीके से ट्रिप हो जाती है। तो धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को मेंटेनेंस इंजीनियर जुगाड़ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।